तो जैसा कि तुम लोगों को पता होगा कि इस नए अपडेट के साथ ही बहुत सारे स्मिथिंग टेम्पलेट्स आए हुए हैं जो कि हमारे बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं और बहुत ज़्यादा रेयर भी। तो आज इन्हीं टेम्पलेट्स के मदद से मैं तुमको कुछ बेहतरीन आर्मर डिज़ाइंस दिखाने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है आयरन मैन का आर्मर। इसके लिए सबसे पहले लेदर का पूरा आर्मर सेट हम लोग को लेना है और इसको रेड डाई में कलर करना है। और लेदर का आर्मर इतना ज़्यादा रेयर होता भी नहीं है। और इसके साथ हम लोग को दो डायमंड लगेगा और दो गोल्ड इंगट्स। अब स्मिथिंग टेबल में जाकर सबसे पहले लेदर कैप में हम लोग को आई आर्मर ट्रिम लगाना है और उसके साथ डायमंड। इसके बाद लेदर ट्यूनिक को लेकर इसमें हम लोग को वाइल्ड आर्मर ट्रिम लगाना है और उसके साथ डायमंड। इसके बाद पैंट्स को लेकर हमको इसके अंदर लगाना है गोल्ड और साथ में टाइड आर्मर ट्रिम। उसके बाद लास्ट हम लोग को बूट्स लेना है, इसमें आई आर्मर ट्रिम और साथ में गोल्ड। और ये हमारा आर्मर कंप्लीट है। और ये कंप्लीट सेट हो गया। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्मर की तरफ। अगला आर्मर हमारा है इसके लिए सबसे पहले हम लोग को लेना है लेदर का पूरा आर्मर सेट और साथ में आयरन इंगट्स जो कि उतने भी ज़्यादा रेयर नहीं होते। और साथ में हमारी ये ट्रिम लगेंगे और हमें आर्मर को ब्लू कलर करना है। ये हो गया। अब स्मिथिंग टेबल में जाकर लेदर कैप में हम लोग को ड्यून आर्मर ट्रिम लगाकर आयरन इंगट लगाना है। इसके बाद लेदर ट्यूनिक को लेकर यहाँ पर आयरन लगाकर वैक्स आर्मर ट्रिम। इसके बाद पैंट्स को, उसके बाद आयरन इंगट और वैक्स आर्मर ट्रिम। उसके बाद बूट्स, फिर आयरन इंगट, फिर वैक्स आर्मर ट्रिम। और ये हमारा ये आर्मर भी कंप्लीट हो गया। ये देखो। तो चलो अब हमारे लास्ट आर्मर की तरफ बढ़ते हैं जो कि स्पाइडरमैन का आर्मर। इसके लिए वापस हम लोग को चाहिए लेदर आर्मर और साथ में एक क्वार्ट्ज और तीन रेड स्टोन और ये ट्रिम्स। इसके बाद हम लोग को लेदर कैप को लेकर इस रेड डाई कलर करना है। उसके बाद से बाकी जो बचा हुआ आर्मर है उसको ब्लू कलर करना है। ये हो जाने के बाद हम लोग स्मिथिंग टेबल में जाएंगे और ये वैक्स आर्मर ट्रिम लेंगे और कैप लेकर इसमें क्वार्ट्ज लगाएंगे। उसके बाद साइलेंस आर्मर ट्रिम, इसमें रेड स्टोन और लेदर ट्यूनिक। इसके बाद लेदर पैंट्स, इसमें ड्यून आर्मर ट्रिम और रेड स्टोन। इसके बाद लेदर बूट्स, इसमें रेड स्टोन और स्नाउट आर्मर ट्रिम। और ये हमारा लास्ट आर्मर भी रेडी है। ये मेरा सबसे फेवरेट आर्मर है। तो कमेंट में तुम लोग भी ज़रूर बताना कि तुमको सबसे ज़्यादा कौन सा आर्मर अच्छा लगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते तुम लोग से दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।